हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ मसाला आलू की रेसिपी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए उबले हुए आलू, टमाटर पिसे हुए, थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब हम एक कढ़ाई में सरसों का तेल चढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। जब तक हमारा तेल गर्म होता है तब तक हम अपने मसाले निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने मसाले निकाले हैं। ये मेरी कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अब हमने कढ़ाई में जीरा डाल दिया है और उसमें ये टमाटर की प्यूरी डाल दी है। टमाटर की प्यूरी को चलाते हुए उसके अंदर हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। तो ये देखिए अब हमने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए। इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ये हमारा मसाला जब तक चिकना ही नहीं छोड़ देगा तब तक हम इसे धीमी धीमी आंच पर भून लेंगे। ये देखिए कलर बहुत अच्छा आया है और ये हमारा मसाला तैयार हो रहा है। देखिए मसाला तैयार हो गया है। तो अब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें आलू मिक्स कर देंगे। देखिए आलू मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। इनके मोटे मोटे पीस ही काटने होते हैं जिससे कि हमारे आलू अलग अलग खिले खिले बने। अब हम इस मसाले में अच्छे से इन आलू को मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये आलू हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं और इनका कलर भी बहुत ही सुंदर आया है। अब ऊपर से हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे जिससे कि हमारी सब्ज़ी टेस्टी और स्पाइसी बनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।